एवरीवन, खुशामदीद कहती हूँ जुगनू डिलाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी बहन एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी के आइए। आज हम बनाएंगे शक्करकंदी बाइट्स। तो शक्करकंदी बाइट्स के लिए हमने दो शक्करकंदियाँ लेनी है जिनको मैंने धो के रख लिया। अब हम इन्हें उबालेंगे। सबसे पहले चूल्हा मैंने जला लिया है, एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया। चूल्हे की आँच मैंने दरमियानी रखी है। अब हम इसमें शक्करकंदियाँ डाल देंगे। ये देखें, ये हमारी शक्करकंदियाँ उबल गई हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इन्हें बाहर निकालूंगी। ये देखें, शक्करकंदी उबल गई है। अब मैं इसे छीलूंगी। ये देखें, शक्करकंदी मैंने छीली। अब मैं इसे कद्दूकस करूंगी, नहीं तो आप हाथों से खूब अच्छे से मैश कर लिएगा। ये देखें, कद्दूकस कर रही हूँ मैं, सब पूरी कर लूँ अच्छे से कद्दूकस। ये देखें, शक्करकंदी हमने कद्दूकस कर लिए। अब मैं इसमें आधा कप मैदा डालूंगी जो मैंने छान के रखा था। ये आधा कप ये डाल देंगे। अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच शक्कर के डालूंगी। ये देखें, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 5 चम्मच मैंने शक्कर डाल दी है इसमें। अब खुशबू के लिए मैं इसमें सब्जी इलायची पाउडर डालूंगी चुटकी भर। ये देखें, चुटकी भर सब्जी इलायची पाउडर डाल दिया। आप इसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर नमक, आप इन्हें अच्छे से मिलाएंगे हम। ये देखें, मिला लिया। अब इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। फिर इसे मिलाएंगे अच्छे से। ये देखें, ये इसकी डो बन गई है। अब हम इसे पटे पे रखकर बेलेंगे। ये देखिए, मैंने पट्टा ले लिया, इस पर मैंने खुश्की लगा ली है। ये डो ले ली, इसको रख दिया इस पर, प्रेस करेंगे और इसे बेलेंगे इस तरह जैसे रोटी बेलते हैं। ये मैंने ले लिया सर्कल, इसकी मदद से हम काटेंगे। आप कोई भी ढकना ले लें, डिब्बे का या बोतल का, इस तरह करके गोल गोल काटेंगे सारे। ये देखें, ये हमने बना लिए रोलिए, इसकी मदद से आँखें बनाएंगे। ये देखें, ये हमारे बन गए। अब मैं इन्हें साइड पे रखूंगी। स्वीट पोटैटो वाइट तैयार है, इन्हें साइड पे रखेंगे। अब इन्हें डीप फ्राई करेंगे, तो उसके लिए कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम घी डालेंगे और उसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया। चूल्हे की आंच दरमियानी रखिए। ये हमारा घी पिघलना शुरू हो गया। जैसे हमारा घी गर्म होगा, हम इसमें स्वीट पोटैटो वाइट डीप फ्राई करेंगे। घी हमारा गर्म हो गया। अब मैं चूल्हे की आँच आहिस्ता कर दूंगी और नीचे हाथ करके एक एक करके हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरह, ये देखें नीचे से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। मैंने पलटूंगी। ये देखें, मैंने पलट भी दिए हैं। ये जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर मैंने प्लेट में निकालूंगी। ये देखें, ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने प्लेट में निकालूंगी। ये मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखें, प्लेट में निकालें। इसी तरह सारे बनाएंगे और उनको प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकाल लिए। आज की जो रेसिपी थी वो थी शक्करकंदी बाइट्स, यानी कि स्वीट पोटैटो बाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट बॉक्स में देगा आज की ये रेसिपी कैसी लगी आपको। इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। आप मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह पसंद करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। स्वीट पोटैटो बाइट्स या शक्करकंदी बाइट्स। शुक्रिया।